बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कानपुर दौरा। जेपी नड्डा ने बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम भी है जिसे संबोधित कर रहे हैं जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर से गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें, मत्था टेका है। जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ नड्डा के साथ मौजूद थे। तो यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। कानपुर में मौजूद थे बाबा नामदेव गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें। क्या कुछ इस दौरान जेपी नड्डा की ओर से कहा गया वो भी हम आपको सुनवा दें। सत्यदेव पचौरी जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सांसद भोले सिंह जी, महेश त्रिवेदी जी हमारे विधायक, हमारे अपने इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए सभी संतगण, हमारे सभी ज्ञानी पुरुष, हमारी बहन और मंत्री बहन कल्याण जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे बाबा नामदेव जी के चरणों में और इस गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जब तक बाबा की इच्छा ना हो तब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो आज उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं कानपुर आया तो योगी जी के साथ सबसे पहले बाबा के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर, नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, यह अपने आप में हम सब लोग को प्रेरणा भी देता है, दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ऐसे यहाँ पर आने पर मैं गुरु जी के नाम पर शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ और आप सब लोगों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है उसको जो गुरु जी ने जिन्होंने मराठी में भी, जिन्होंने पंजाबी में भी, गुरुमुखी में भी और जिन्होंने अन्य भाषाओं में रचनाएं की, हिंदी में भी रचना की, ऐसे गुरु नामदेव जी के प्रति मैं शीश झुकाते हुए अपने साथियों के साथ ये अर्चना करता हूँ कि मुझे और मेरे सभी साथियों को और समाज में सही दृष्टि देने की ताकत दे और हम सब लोग अच्छे ढंग से आगे बढ़े। बोले वाहेगुरु जी का खालसा, बोले मित्रों, गुरु के चरणों में हम आए हैं और गुरु से हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई राजनीतिक विषय में नहीं रखना चाहता, लेकिन गुरु से संबंधित और हमारे गुरु ग्रंथ साहब से संबंधित विषयों को जरूर रखना चाहता। वैसे अगर कहा जाए
तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहां पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाते, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाते इस बात को गौरव से कह सकता हूं कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया, ये मैं